YouTube चैनल निकोनॉमिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सो फार अगर हम टॉपिक्स की बात करें, सबसे फर्स्ट आइडिया हमने बिल्ड किया था कि GDP क्या होता है और GDP कैलकुलेशन कौन करता है, राइट? और GDP क्यों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक कंपैरिजन शो किया था रियल GDP और नॉमिनल GDP में, राइट, कि कौन सा किस लेवल तक इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने GDP डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट में सेट करके देखा कि नॉमिनल और रियल को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑफनली आप इसको सुनते होंगे, न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे, लोगों से बहुत सुनते होंगे कि इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो कर रही है या इकोनॉमी ग्रो हो चुकी है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आपने सुनी है। मैंने आपसे कहा था ना GDP के सीरीज में मैं GDP को पूरा एकदम अर्थ के एक्सकेवेट करके आपको स्काई तक लेके जाऊंगा, जिससे नीचे से लेके ऊपर आपको एक एक चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको एक एक चीज पता चल जाएगी कि इकोनॉमी की वर्किंग क्या है, कैसे वो GDP से सब चीजें मेजर करती है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, एंड दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। हमने बहुत बार सुनी है टर्म, बहुत बार लोग बोलते हैं, न्यूज में बोला जाता है, और आजकल तो जैसे ही ये खत्म होगा, आप जानते हैं लॉकडाउन, उसके बाद वैसे ही आप रोज सुनते हो इकोनॉमी डाउन जाने वाली है, इकोनॉमी डाउन जाने वाली है। तो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, एक प्रॉपर डेफिनेशन हमेशा मैं कहता हूँ, डेफिनेशन पे बाद में, पहले उस चीज को एक बार एक पैटर्न में समझ लेते हैं, ठीक है, एंड देन बात करेंगे कि उसका पर्टिकुलर कंटेंट, उसके डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक बात समझो, पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़ो, अगेन पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर मैं आपसे बोलूं आप हैं, आपकी ग्रोथ कब होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ग्रोथ कब होगी, तो आप सोचोगे कि सर का क्वेश्चन किस वे में है, मतलब मेरी ग्रोथ कब होगी, मेरी ग्रोथ से मतलब क्या है, आप किस बारे में बात कर रहे हो सर, मेरी ग्रोथ मतलब मेरी इनकम की बात कर रहे हो, मेरी वेल्थ की बात कर रहे हो, मेरी सेविंग्स की बात कर रहे हो, मेरी हाइट की बात कर रहे हो, किस चीज़ की ग्रोथ की बात कर रहे हो, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना आपको। लेकिन मैं अगर आपसे एक चीज़ बोलूँ तो समझना ध्यान से प्लीज, जो ग्रोथ होती है ना हमारी, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों के लेके हो सकती है, ठीक है। जो चीज़ें क्वालिटेटिव हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हो, इजंट इट, ठीक है। इसका मतलब देखो, दो चीज़ें होती हैं, फिनोमिनास दो होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ बहुत अच्छे हो या बहुत इंटेलिजेंट, जो भी केस आप, मैंने कहा बहुत अच्छे हो, ठीक है। आपने क्या करा, आजकल कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना शुरू कर दिया, और आपका बिहेवियर अच्छा हो गया, तो आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे, आप इसे क्या कहोगे कि आपकी ग्रोथ हो गई है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन वही मैं आपसे कहता हूँ, आप रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, एक्सरसाइज करने के बाद आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, आपके बाइसेप्स बढ़ गए, इन सच के बाइसेप्स ग्रोथ हो गए भाई, राइट, हाइट बढ़ गई है लड़के की हाइट, इजंट इट। तो ग्रोथ हमेशा किस चीज की होती है, क्वांटिटेटिव की, ठीक है। अगर मैं अपना GDP डिफ्लेटर से हाइट वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करूँ, तो हाइट बढ़ना हमने क्या कहा था कि भाई आपकी, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी की बात करता हूँ, 5.6 हाइट है, अगले साल मेजर करी 5.8 हाइट हो गई, हमने कहा कि भाई 2 इंच की ग्रोथ हो गई। सेम विद योर इकोनॉमी, मैंने आपसे क्या कहा था, इकोनॉमी में अभी तक हमने सबसे बड़ा इकोनॉमी का स्कोर कार्ड अभी तक कौन सा पढ़ा है, बहुत सारी और भी होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल जो पढ़ा है उसी के ऊपर जजमेंट देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा GDP। तो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्कोर कार्ड, मतलब तो मेजर सिग्निफिकेंट कह सकते हैं आप, स्कोर कार्ड कौन सा है, GDP। तो व्हाट इफ एक इकोनॉमी का GDP बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। देखते सपोज हम बात करते हैं GDP की, अगर हम एक आइडिया बिल्ड करें कि एक इकोनॉमी का GDP बढ़ रहा है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि एक इकोनॉमी का GDP बढ़ रहा है, तो एक इकोनॉमी का GDP का बढ़ना क्या सिग्निफाई करेगा, ठीक है, ये सिग्निफाई करेगा किस चीज को, कि एक इकोनॉमी की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना।
जीडीपी क्या था? जीडीपी यही था ना कि कितना क्वांटम गुड्स एंड सर्विसेज आप एक ईयर में प्रोड्यूस करते हो। तो जीडीपी का बढ़ना मतलब क्या? जीडीपी का बढ़ना मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ना, इजंट इट? ठीक है, अगर एक कंट्री की प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी, मतलब एक कंट्री ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? आप खुद सोच के देखो, सपोज के लिए आपके फादर एक बिजनेसमैन है या आप जॉब में भी हो, व्हाट इफ आप ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो व्हाट विल हैपन? इवेंचुअली व्हाट विल हैपन? योर इनकम विल इंक्रीज। आप ज्यादा सर्विसेज दोगे, आप अपना ज्यादा टाइम दे रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो फैक्ट्री में रुक करके, ठीक है, या अपनी जो भी आपकी कंपनी उसमें रुक के ओवर टाइम करते हो, इन सच अ केस व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली योर इनकम विल इंक्रीज। तो मतलब जीडीपी का बढ़ना मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, और प्रोडक्शन का बढ़ना मतलब इनकम का बढ़ना। और इनकम तो हम सब जानते हैं कि कौन सा फिनोमेना है, क्वांटिटेटिव है, इट इज क्वांटिटेटिव ना, ठीक है। तो इनकम बढ़ गई, जीडीपी का बढ़ना मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना मतलब इनकम का बढ़ना। अब इनकम का बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर कर लूं? आगे देखते हैं पहले एक और चार्ट। अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? सोचो, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी भाई, लोगों के पास ज्यादा इनकम आएगी। अभी हम टैक्स वाले कॉन्सेप्ट को लेके नहीं आ रहे, क्योंकि फिर डिस्पोजेबल इनकम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो बाद में। फिलहाल आप समझो, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो आप सप्लाई भी तो ज्यादा करोगे, इजंट इट? सपोज इट लाइक आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, ठीक है, आप लोगों को और सारे कॉन्सेप्ट जानने का मन करता है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? कॉन्टैक्ट करना शुरू करोगे कि सर ये लेक्चर भी डालना है, वो लेक्चर भी डालना है, इस टॉपिक को भी समझा दो, ठीक है, हिस्ट्री ये समझा दो, ज्योग्राफी को समझा दो, पॉलिटी को समझा दो। जब आप मेरे को डिमांड ज्यादा करोगे तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू सर्व एज मच एज आई कैन, इजंट इट? ठीक है, तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, फिर इनकम ज्यादा होगी, मतलब इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो बहुत स्मूथली मूव करेगा, ठीक है। तो क्या इतना ही सिंपल प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ का? लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, यहां से दो चीजों का जो टेंजेंट है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जो दो चीजों का टेंजेंट है यहां से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो दो चीजों का टेंजेंट चेंज कैसे था ये देखो, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझो आप। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेता हूं, उस मॉडल को अपने इस मॉडल में सेट कर देंगे, एग्जाम्पल को मॉडल में सेट कर देंगे। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज इतनी एक फैमिली है, ठीक है, और इस फैमिली में चार मेंबर है, ठीक है, कितने मेंबर है? चार मेंबर, ठीक है, एंड दैट फैमिली इज अर्निंग समवेयर अराउंड 1 लाख पर मंथ, ठीक है। एक फैमिली है जिनकी इनकम 4 लाख है, 4 उसके मेंबर है, सॉरी 1 लाख है, 4 मेंबर है। तो अगर मैं आपसे बात करूं पर पर्सन की, कि पर पर्सन के पास कितना आएगा, मतलब अगर हम बात करेंगे हम पर पर्सन पे कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ठीक है, पर पर्सन की अवेलेबिलिटी कितनी होगी फंड की, इन सच अ केस इट विल बी कितनी होगी? 1 लाख है, कितने लोग हैं? 4 लोग, मतलब 25,000 पर, आप कह सकते हो, पर्सन। ओके, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यही एक फैमिली है, ठीक है, इनकी इनकम बढ़ गई और वो बढ़ के 1,20,000 हो जाती है पर मंथ। अब आप एक बार जरा इन फिगर्स को प्लीज ध्यान से देखो, पहले इनकम कितनी थी? 1 लाख, अभी इनकम कितनी हो गई है? अभी इनकम हो गई है 1,20,000, ठीक है। आप खुद से सोच के देखो, इट्स अ गुड साइन और अ बैड साइन? ऑफ कोर्स इट इज अ गुड साइन, बट इकोनॉमिक्स में हम इतनी जल्दी कोई पिक्चर नहीं बनाते, राइट? इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को इतनी जल्दी से हम कोई पिक्चर नहीं बनाते कि भैया 1 लाख थी, 1,20,000 हो गई, जी इनकम बढ़ गई, भैया बढ़िया है, ठीक है। अब एक बात सुनो, इसके साथ ना एक चीज और थी जो शायद हम ऐड करना भूल गए। हुआ क्या, इनके जो 4 मेंबर थे, हुआ ये कि इनके कोई गांव से रिलेटिव आ गए, ठीक है, या कहीं से कोई रिलेटिव आ गए कि भाई
इनके चाचा या मामा का लड़का आगे कि जी मेरा लड़का आपके पास रहेगा और आगे की पढ़ाई आपके वहाँ पे करेगा, तो आप जो भी होगा देख लेना, या कोई इनके घर में बैंकक्रप्ट हो गया जी हम नहीं कर पा रहे कुछ भी, आप प्लीज हमें देख लो, फॉर एनी रीजन इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मान लो बढ़ गए और वो बढ़ के हो गए 6 मेंबर, ठीक है। पहले इनकी इनकम कितनी थी, 1 लाख थी, मेंबर कितने थे 4, अभी इनकी इनकम कितनी हो गई है, मतलब पर पर्सन कितने हो गए थे 25,000, इनकम इनकी बढ़ गई 1,20,000, अच्छी बात लग रही थी हमें, अब हो गए इनके 6 मेंबर, गांव से कोई रिश्तेदार उठ के आ गए, इंडिया में तो चलता रहता है आप भी जानते हो ऐसा, ठीक है। अब जो इनकी पर पर्सन इनकम है वो कितनी हो जाएगी भाई, इनकम कितनी है 1,20,000, मेंबर कितने हो गए 6, पर पर्सन कितना हो गया 1,20,000 हो गई, लेकिन इवेंचुअली उसका बेनिफिट किसको हुआ, बेनिफिट तो किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि पर पर्सन जो इनकम है वो तो कुछ भी इंक्रीज नहीं करे, पर पर्सन इनकम तो एक्चुअली में फॉल हो गई, इजंट इट, दैट इज द आइडिया। मतलब एक कंट्री के जीडीपी का बढ़ने का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक उस कंट्री की पॉपुलेशन का साइज क्या ना रहे, कांस्टेंट ना रहे। यहां से हमने एग्जांपल बिल्ड किया, अब मॉडल में सेट करते हैं, यही तो हमारी कंट्री के साथ हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी डेवलपिंग नेशन होते हैं उनके साथ एक बहुत जो बड़ा चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है, वो बड़ा चैलेंज क्या, बड़ा चैलेंज यही है कि तुम्हें अपनी इनकम को बढ़ाना है, लेकिन देखो पॉपुलेशन का साइज तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, है ना, मतलब आप ऐसा तो कर सकते कि पॉपुलेशन को रोको, डेवलप्ड नेशन होते एक अलग बात है, लेकिन आप ऐसा तो कर सकते हो कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसे जीडीपी ग्रोथ रेट से कम कर दो, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट से कम होगा तो ऑटोमेटिकली काम बन जाएगा। जब तक पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं होगी तब तक एक नेशन जो है वो पर पर्सन इनकम नहीं बढ़ा पाएगा, और जब तक आप खुद सोचो पर पर्सन नहीं इनकम बढ़ेगी तब तक फायदा क्या होगा, ठीक है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम का बढ़ना तो जरूरी है और ठीक है, लेकिन कब, कीपिंग रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट। आपका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, या फिर आपके जीडीपी ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए, बहुत कम इनफैक्ट। हाँ जी, तो फायदा कब है, फायदा तब है जब कीपिंग रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा तो इससे क्या इंक्रीज होगा, हम यहीं पे लिख लेते हैं इसको, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास होगा इंक्रीज, ठीक है, किसमें, इन पर कैपिटा इनकम, या फिर मैं कह दूं जीडीपी, इजंट इट। अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट रह गई तो पर पर्सन इनकम बढ़ेगी या फिर जीडीपी बढ़ेगा, तो पहला आइडिया तो यहां बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक आइडिया जो हम इधर से हमने एक और एरो दिया यहाँ पे क्या है, अब समझो एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, अभी आपको जस्ट फ्यू सेकंड्स में समझ में आ जाएगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फैमिली है ना, यहाँ से मेंबर का कंसर्न फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि मेंबर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइसेस, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ नॉमिनल इनकम, और यहां मैं लिखता हूं रियल इनकम। आई होप आप समझ गए होंगे प्राइसेस का मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की, और प्राइसेस को कांस्टेंट मान के जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, रियल जीडीपी, जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया। अब फैमिली एक ये छोड़ो, उसका कंसर्न फिलहाल नहीं है। अब हम कहते हैं प्राइसेस, देखो पहले नॉमिनल और रियल इनकम समझ लो, यहाँ पे नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, नेशनल इनकम लिखा होता तो प्रॉपर नेशनल, यहाँ पे सिर्फ नॉमिनल इनकम है और रियल इनकम है, लेकिन उससे अलग कॉन्सेप्ट भी नहीं है, है वही कॉन्सेप्ट, समझो। देखो अगर एक मतलब मैं कह रहा हूँ आपकी जेब में 100 रुपए है,
तो इट्स नॉमिनल इनकम. नॉमिनल इनकम को आप माइक्रो में पढ़ चुके हो, इसे हम मॉनेटरी इनकम भी कहते हैं. मतलब तुम्हारी जेब में जो पैसा है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल इनकम. जैसे मैंने कहा सपोज इट यू हैव अभी 100 इन योर पॉकेट, इट्स अ नॉमिनल इनकम. यू हैव बी 200 इन योर पॉकेट, इट्स अ नॉमिनल इनकम. यू हैव बी 1 lakh इन योर pocket, that's your nominal income. You are earning rupee 1.5 lakh per month, it is a nominal income. So jo money terms mein mere paas hai usse hum nominal income kehte hain. To real income kya hoti hai, aap micro pad chuke ho warna micro ke lectures upload ho gaye hain, un pe check karna. Isse hum bolte hain purchasing power. रियल इनकम क्या होती है, परचेजिंग पावर. ये किस में मेजर की जाती है, ये मेजर की जाती है इन यूनिट्स कि तुम कितना खरीद पाए, है ना. ये किस में मेजर की जाती है, इन यूनिट्स. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. समझो मान लो प्राइस हम लेके चल रहे थे सपोज एटली 100. ठीक है, नॉमिनल इनकम जो थी कितनी थी इस पर्सन की, 1 lakh, है ना, 1 lakh रुपए पर मंथ कमाता था. तो रियल इनकम अगर 100 रुपए में, जनरल प्राइस लेके चल रहा हूं ताकि आपको आसान में समझना, 100 रुपए प्राइसेस मान के चल रहा हूं और 1 lakh नॉमिनल इनकम, तो इसकी परचेजिंग पावर कितने यूनिट्स की हो गई जी, 1000 यूनिट्स हो गई. तो ये 1000 यूनिट्स क्या है इसकी, रियल इनकम. सपोज हाँ जी, अब हम कहते हैं कि मान लो प्राइसेस बढ़ के 125 हो जाते हैं, ठीक है, और इसकी इनकम तो बढ़ गई थी, कितनी हो गई थी, 1,20,000 हो गई थी, isn't it. अब देखो एक बात समझ के देखो, नॉमिनल इनकम इसकी बढ़ के 120,000 हो गई, 1,20,000 हो गई, और प्राइसेस भी बढ़ गए. लेकिन देखो अगर मैं इसे केस 1 लेके चल रहा हूं, क्यों लेके चल रहा हूं समझ में आ जाएगा, कितने बढ़ गए प्राइसेस आपके, बढ़ गए, ठीक है, और 100 रुपए से कितने हो गया, एक यूनिट प्राइस 125 हो गया. अगर अब हम 1 lakh को डिवाइड करें 125 से, ठीक है, सॉरी 1,20,000 को हम डिवाइड करेंगे 125 से, व्हाट वी विल गेट, देखो वी विल गेट 960 यूनिट्स, इजंट इट. मतलब अब अगर प्राइसेस बढ़ गए तो देखो इसकी परचेजिंग पावर तो कम होगी, क्या फायदा हुआ, है ना. अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है. देखो केस 2 लेके समझाता हूं मैं आपको. केस 2 से ये कहता है कि प्राइसेस बढ़े और प्राइसेस बढ़ के 110 हो गए. प्राइसेस बढ़े कितने हो गए, 110 हो गए. इनकम मान लो वही वाला केस का, केस तो वही कंटिन्यू हो रहा है. अब अगर मान लो प्राइसेस बढ़ के 1,20,000 हो जाएं, ठीक है, 1,20,000, तो इन सच केस अगर मैं 110 से डिवाइड करूं तो अब जो उसकी परचेजिंग पावर आ रही है वो आ रही है 1,090.90 यूनिट्स, इजंट इट. तो अब आप खुद सोच के देखो फायदा है या नहीं है, फायदा अब है. मतलब अगर प्राइसेस एक हम कह सकते हैं एक मॉडरेट रेट पे बढ़े, ठीक है, वो मॉडरेट रेट क्या होता है अभी हम आगे बढ़ लेंगे, मॉडरेट रेट पे बढ़े. फिलहाल आप यहां ये समझो कि अगर प्राइस का इंक्रीज कम है, किससे, आपके इनकम के इंक्रीमेंट से, इन सच अ केस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर तो आपकी तब भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट. लेकिन अगर प्राइस का इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा, किससे, आपके इनकम के इंक्रीमेंट से, उस केस में प्रॉब्लम है, ठीक है. तो पहली चेन हमने यहां पे करा कि भाई इनकम बढ़े बट पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट रहे. दूसरी चेन हम यहां पे लेके आए कि इनकम बढ़े बट क्या रहे, कीपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या रहे, लोअर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इजंट इट. जब तक मेरे इन्फ्लेशन का रेट इनकम के इंक्रीज के रेट से कम है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर प्राइस जो बढ़े हैं वो मेरी इनकम के बढ़ने के परसेंटेज से कम रेट पे बढ़े हैं तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. तो ये चीज, इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मॉडरेट कंडीशन में होना जरूरी है. वो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल्स, तब हम सारी चीजें उसके अंदर कवर करेंगे. तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है.
जैसे मैंने पॉपुलेशन को कांस्टेंट किया था तो मुझे क्या मिला, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम या फिर जीडीपी। तो अगर मैं इन्फ्लेशन को कांस्टेंट कर दूं और इनकम बढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिल जाएगा एक तरह से, अगर इसको कंक्लूड करें तब हमें मिलेगा इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा। आप याद करो जब हम प्राइसेस को एडजस्ट करके बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी रियल जीडीपी, तो ये क्या है रियल इनकम। तो इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा, यहां पे भी आप चलो पॉपुलेशन मत लो, तो ये क्या रहेगा इंक्रीज इन रियल जीडीपी। प्राइसेस को अगर मैं कॉन्सर्न मान लू तो ये क्या हो गया इंक्रीज इन रियल जीडीपी या फिर इनकम। फेयर इनफ, दोनों बातें समझ में आ गई। एक बार हमने क्या किया, एक बार पॉपुलेशन कॉन्सर्न कर दी और दूसरी बार हमने क्या किया प्राइस कॉन्सर्न कर दिया। अब हमारे पास एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ गया टू कंक्लूड व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर कर लूं, इन दोनों फैक्टर्स को, और मैं इस चीज का आइडिया बिल्ड करूं कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, अगर एक इकोनॉमी का रियल पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, तो अगर एक इकोनॉमी का रियल पर कैपिटा जीडीपी बढ़ जाएगा तो दैट विल सिग्निफाई व्हाट, इट विल सिग्निफाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगेन मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बात कह रहा था कि हम जब ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं तो वो कौन सा फिनोमेना होता है, क्वांटिटेटिव फिनोमेना। ठीक है, तो आपको दिख गया ये पूरा इनकम का चार्ट था, जब इनकम बढ़ी तो उस इनकम के बढ़ने को हमने क्या सिग्निफाई किया, हमने उस इनकम के बढ़ने को इकोनॉमिक ग्रोथ को सिग्निफाई किया। तो अगर आज के बाद हम कभी न्यूज देखते हैं और हमें एकदम से सुनने में आता है कि इकोनॉमी ग्रो कर गई, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि उस इकोनॉमी की क्या बढ़ गई है, उस इकोनॉमी का देखो क्या बढ़ रहा है रियल पर कैपिटा जीडीपी, मतलब वहां पे रहने वाले पर पर्सन की जो इनकम है वो बढ़ी है, तो इसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, होप ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने कहा ना डेफिनेशन पे बाद में देंगे, पहले पूरा एग्जाम्पल बिल्ड कर लेते हैं क्या होता है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ये तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करना मेरी यहाँ पे, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ जीडीपी एक फैक्टर, जीडीपी के अलावा अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो वो भी एक क्या है, वो भी एक आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, तो ये उसे भी कंसिडर करता है कि भाई अगर कोई भी कंट्री में फंड आए, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ये उसे भी कंसिडर करेगा। तो जो भी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को पढ़ता है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, डिफरेंसेस के साथ क्रिएट करेंगे, पहले एक अपना आइडिया बिल्ड कर लेते पूरा। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया, ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, सो हम कहते हैं बहुत साल तक जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस बात पे आर्ग्यू करते रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी कॉन्साइंड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब दे बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, दोनों सेम चीज है। लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट ने कहा ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम थिंग्स नहीं है, ये दोनों बहुत सेपरेट चीजें हैं। ठीक है, इवन दो अगर आप बुक्स को आज भी पढ़ोगे तो आज भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हम जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं दैट इज नॉट क्वाइट इनफ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट जितना डिफाइन किया जाता है वो उससे बहुत एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। फिर भी कुछ पैरामीटर्स को मिलाया गया और इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन किया गया। ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को तो काउंट करता ही नहीं। ठीक है, मतलब ये कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी ही होनी चाहिए, बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। भाई पैसा तो चाहिए ही ना,
बिना पैसों के आप क्या कर सकते हो, सोच के देखो। अगर हम बिना पैसों की बात करें तो बिना पैसों के आप क्या कर पाओगे? बिना पैसों के वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ चाहिए हमें सोशल जस्टिस। क्या चाहिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमें चाहिए सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस भी चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल जस्टिस? इसका मतलब है लोगों के पास प्रॉपर, आप कह सकते हो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने एवरेज लाइफ लोग जी सकते हैं, वो भी बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशन लिटरेसी रेट भी बढ़ना चाहिए। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो हैं वो भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये समझो, अगर पैसा आ जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं एग्जांपल इंडिया का ले लेते हैं। यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, आप एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गया, आप एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। लेकिन आप सोचो, हम बार बार पढ़ते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मतलब इतनी फीस देने के बाद भी आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दिला सकते, तो क्या करोगे उस पैसों का, ठीक है। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं। इस टाइम तो आपको वैसे पता चल गया यूएसए जैसा देश वहाँ खड़े कर गया, तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और हम वैसे भी हेल्थ सेक्टर के मामले में इंडिया वैसे भी स्टैंड नहीं करता, ठीक है। अभी इंडियन इकोनॉमी की जब लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा तब बताऊंगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर है इंडिया के अंदर। तो मतलब पैसा है बट इलाज कराने के लिए फिर यूएसए यूके जाओ, तो फिर उस ग्रोथ का फायदा क्या, उस पैसे का फायदा क्या, हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी आज भी हमारी कंट्री में आप जानते हो किस लेवल पे, किस लेवल पे स्टैंड करती है, कितनी लो है, ठीक है। भले ही वुमेन है, एक लड़की है जो कि महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रही होगी, स्टिल शी इज नॉट सेफ इन आवर नेशन, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या है वो तो क्या हमारा डिस्कशन नहीं, तो लीगल स्टडीज है, बट नहीं है मतलब पैसा होना सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ साथ सोच भी तो बदले, है ना। सोच अभी भी हमारी कंट्री की बहुत आउटडेटेड है, काफ़ी चीज़ों को अगर हम कंपेयर करके देखें तो बहुत आउटडेटेड सोच है हमारी कंट्री की। अगर मैं सोच के साथ साथ बात करता हूँ, सोच के अलावा देखूँ तो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, डाउरी सिस्टम आज भी हमारी कंट्री से नहीं गया है। तो जब तक ये सारे चीज़ें जो हमारी कंट्री के लिए एक स्टिग्मा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, तब तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टारगेट नहीं कर सकते। तो होपफुली अब आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कहता है मैं क्वांटिटेटिव चीज को तो इंक्लूड करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्वालिटेटिव भी जिक्र कर लिया जाए, इजंट इट। सिर्फ पैसे आ जाने से क्या होगा, उस पैसे का यूटिलाइजेशन लोग कितना कर पा रहे हैं, किस किस जगह पे कर पा रहे हैं, व्हाट आर द फैसिलिटीज, ठीक है, गिवन टू देम, क्या फैसिलिटीज है। तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ नहीं होगी तब तक वो मीनिंगलेस है। ये वही बात होगी कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूं और बोलूं खर्चने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को आपको जाकर के मार्केट में चाय और ब्रेड पकौड़ा ही मिलेगा, क्या ही करोगे 1 लाख रुपए का, बोर हो जाओगे वो खाते खाते भी, दैट इज द आइडिया। फिर इसके बाद इकोनॉमिस्ट ने लेटर ऑन इस पर कुछ और भी ऐड किया। ग्रोथ ऐसी नहीं हो जो मैंने अभी आपसे कहा कि इकोनॉमिक्स में कंसिस्टेंट पैटर्न होता है, आज जो हो जाए वो कल नहीं हो पा रहा, उसका क्या फायदा, ठीक है। तो हम इसमें एक चीज लेके चलते हैं कि जो चीज हो रही है वो सस्टेन भी हो। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब है उसको संभाल के रखना, ठीक है। तो हम कहते हैं ग्रोथ हो, सोशल जस्टिस हो, और साथ में हम इसमें पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप बहुत बार टर्म सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना स्पैरिंगली, दैट मींस अपने रिसोर्सेस को इस मैनर में यूटिलाइज करना सो दैट योर फ्यूचर जनरेशन में शेयर द सेम थिंग्स और सेम एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगर हम अपने रिसोर्सेस को लैविशली यूज करेंगे, ठीक है, सोच समझ के नहीं यूटिलाइज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन उससे बेनिफिट नहीं ले पाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्सेज पे नहीं है, हर चीज़ पे है, इवन तो योर मनी ऑल्सो। आप अपने मनी को बहुत लेविशली खर्च करते रहोगे तो मे बी जिस फ्रीडम और जिस लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो आपकी फ्यूचर जनरेशन नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है इकोनॉमिक
जो डेवलपमेंट है ना, ये बहुत लॉन्ग वे प्रोसेस है, क्योंकि ये नहीं कि तुमने अचीव कर लिया, ये कभी अचीव हो ही नहीं, लंबे टाइम तक चलता रहता है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो जैसे ही तुम्हारा रियल पर कैपिटा जीडीपी बढ़ा एक सर्टेन पीरियड में, तुमने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, बाद में कम हो गया, तुमने कहा जी इकोनॉमी डाउन आ गई, है ना। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे नहीं कि बढ़ गया घट गया, एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया, जब एक कंट्री की ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो क्या फॉर्म करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो ये पूरा हो गया हमारा एक रफ एस्टिमेशन अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर, क्या क्या इंडिकेटर इसमें इंक्लूड होते हैं, हमारा इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की रैंकिंग में कहाँ पे है, हमारा इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रैंकिंग में कहाँ पे है। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का इंडिकेटर मैंने एक आपको बताया, वो क्या है, जीडीपी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का भी एक इंडिकेटर होगा। सो वह देखते हैं कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं। हाँ जी, तो आपके सामने मैंने लिख दिया एक डिफरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब एक पूरा चार्ट पढ़ेंगे, सारे डिफरेंस के पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले एक बार ही क्या करते हैं, एक इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो व्हाट वी कैन राइट फॉर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आइडिया हम बिल्ड कर चुके हैं, जस्ट उस मॉडल पे हमारे एग्जाम्पल को सेट करके डेफिनेशन बिल्ड करना है। तो देखो हमने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू कंसिस्टेंट इंक्रीज इन कंट्रीज रियल पर कैपिटा जीडीपी। मैं आपसे यही बोल रहा था ना कि पर पर्सन की रियल इनकम बढ़नी चाहिए। पर पर्सन की मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट, रियल मतलब प्राइसेस मस्ट बी कांस्टेंट। तो जब पर पर्सन की रियल इनकम बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ना एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर कब उसे कितने टाइम में होगा। तो देखो कितने टाइम में मतलब इनकम बढ़ जाए तो उसे ग्रोथ मानेंगे, कैसे बढ़ जाए तो उसे ग्रोथ मानेंगे। अब आप एक बात को समझो, जनरली होता क्या है, ऐसे में कोई रूल ऑफ मतलब आप ये कह सकते हैं कोई एक स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड रूल है कि इतने टाइम में बढ़ जाएगा तो मैं मान लूंगा। ठीक है, एक जैसा आप कह सकते हो रूल ऑफ थंब है जो ये कहता है कि अगर दो क्वार्टर कंसिस्टेंटली जीडीपी बढ़ जाए तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर करेंगे। कब, अगर दो क्वार्टर, जैसे कि मान लो क्वार्टर वन क्वार्टर टू, एज ए डिस्कस इन लेक्चर वन के जीडीपी को कैसे मेजर करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो मान लो क्वार्टर वन में आपका ग्रोथ रेट 5% का था और क्वार्टर टू में ये 6% का हो गया, है ना, और क्वार्टर थ्री में मान लो ये हो गया 7%, देन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर करेंगे। जब आपका एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर, क्योंकि दो क्वार्टर मतलब पीरियड ऑफ 6 मंथ, है ना, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ का पीरियड, तो दो क्वार्टर मतलब एक 6 महीने का पीरियड। तो अगर 6 महीने के पीरियड में हमारा जीडीपी बढ़ जाता है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जीडीपी ग्रोथ में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, वो अभी हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ लेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फर्क है। वैसे जब हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ इस चेंज को लेते हैं कि जीडीपी में कितना चेंज आया, बट अगर मैं जीडीपी के साथ साथ के जीडीपी में जितना चेंज आया उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज कितने बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना हो रहा है, कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी बढ़ रही है, मतलब बाकी एट्रीब्यूट्स को भी जब मैं कंसिडर कर लेता हूं तो वो पूरा मिलके क्या बन जाता है, वो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। और जीडीपी ग्रोथ रेट तो आपको सुन के ही पता चल रहा है कि वो फोकस ही किस पे कर रहा है, एम्फसाइज किस पे कर रहा है, जीडीपी के बढ़ने पे। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि कोई ऐसा कोई बुक में या कोई ऐसा मतलब एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है कि क्वार्टर के बेसिस पे मेजर किया जाएगा। जैसे अगर हम NBER की बात करें, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, ये USA की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये मंथली बेसिस पे मेजर करता है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी से किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंडिकेटर को ग्रोथ,
रिसेशन डिप्रेशन कंसिडर नहीं करता, ये बहुत सारे फैक्टर्स लेता है, बट वैसे जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है वो रूल ऑफ थंब क्या है, वो रूल ऑफ थंब है क्वार्टर सिस्टम, कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में अगर ग्रोथ होता है। अब एक चीज आप समझो ध्यान से, मान लो ये 5% था, ये दूसरे क्वार्टर में जाके 5.5 हो जाता है, फिर ये जाकर के मान लो 4 हो जाता है, अब इसे क्या कंसिडर करेंगे पैटर्न को, कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे। सडन इंक्रीज या डिक्रीज को हम कुछ भी नहीं कहते, याद रखना है आपको। जैसे मान लो एक साल आपका जीडीपी बढ़ गया, ठीक है, अगले साल कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो क्या आप इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर कर सकते हो? नहीं कंसिडर करोगे। देयर शुड बी अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द पैटर्न, ठीक है, सस्टेन्ड इंक्रीज, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी तो हो सकता है उस साल मॉनसून बहुत अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, ठीक है, या उस साल की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थोड़ी फेयर थी इसलिए बढ़ गया, तो एक साल से हम कुछ नहीं देखते, राइट, तो हमें देखना होता है सस्टेन होना चाहिए। तो वही हमने लिखा भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब कंसिडर किया जाएगा, 3 points है, अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पीरियड टू टाइम पीरियड ऑफ अनदर, राइट। वो कह रहे हैं एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में जब इंक्रीमेंट आएगा तब उसे आप क्या कहोगे, सस्टेन्ड इंक्रीमेंट आएगा तब उसे आप क्या कहोगे, तब उसे आप कहोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ऐसा नहीं कि एक पीरियड में बढ़ा फिर कम हो गया फिर बढ़ गया और आप उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिडर कर रहे हो, उसे हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। फिर हमने कहा था रियल, तो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट और लेस देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ा था अभी लेक्चर में, कि इन्फ्लेशन का रेट या तो इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट से कम हो या तो कॉन्स्टेंट रहे, तभी तो रियल इनकम बढ़ेगी देश की। और तीसरा फैक्टर क्या है कि ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट मस्ट नॉट बी ऑफसेट बाय ग्रोथ इन पॉपुलेशन, मतलब जो आउटपुट बढ़ने का रेट है वो ज्यादा होना चाहिए पॉपुलेशन के बढ़ने, मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट ज्यादा ना हो जाए किससे, आउटपुट के बढ़ने के रेट से। जब तीनों चीजों को हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास टर्म आएगी देन इट विल बी नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और मैंने अगेन आपसे कहा कि कभी आपसे कोई पूछे कि एक पर्टिकुलर पीरियड डिफाइन करो, तो ऐसा कोई पीरियड नहीं है, पूरा यूनिवर्सल रूल ऑफ थंब चलता है जो कि एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक की बात करता है। बट जब हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की, जो यूएसए में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात को एग्री नहीं करता, वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करता है। जब हम एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे बिजनेस साइकिल्स का, जिसमें हम सारे फेजेस पढ़ेंगे, तब जो NBER वो क्या कहता है कैसे करता है वो सब चीजें तब देखेंगे। सिंबॉलिकली अगर हम उसको देखें तो फॉर्मूला क्या बना, GDP T, मतलब टी का मतलब क्या हो गया, दिस टाइम पीरियड जिसकी आप बात कर रहे हो, इस ईयर GDP कितना है माइनस प्रीवियस ईयर GDP कितना था, तो GDP T माइनस GDP T माइनस 1, इस ईयर का GDP माइनस प्रीवियस ईयर का GDP, ओके, दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय GDP T माइनस 1। अच्छा अगर मैं आपकी हाइट का ग्रोथ का एग्जांपल लूं, कितनी बड़ी, कितने परसेंट बड़ी, कैसे निकालोगे? सर इस साल हाइट है 5.8, पिछले साल की 5.6, ठीक है, तो 5.8 माइनस 5.6, ठीक है, ग्रोथ कहां से लिया तुमने, मतलब बेस कहां से था, 5.6 था, नहीं है ना, तो वही है, इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है माइनस पहले कितना था डिवाइडेड बाय पहले कितना था मल्टीप्लाई बाय 100, देन दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आवर जीडीपी ग्रोथ रेट और योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मैंने आपसे कहा एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, और डिफरेंस क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है जीडीपी ग्रोथ रेट से, ये सिर्फ जीडीपी फोकस करता है, ये बाकी चीजों को भी देखता है, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई हमारे पास जीडीपी ग्रोथ की। अब देखते हैं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि लोगों का जब तक वेल बीइंग इंप्रूव नहीं होगा, है ना, तब तक उस इनकम का कोई फायदा नहीं होगा। इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए, लोगों का वेल बीइंग भी इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है, उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल फ्रीडम होनी चाहिए आपको, ठीक है। जब ये सारी चीजें अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ होती हैं, देन इट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को तो लेता ही है साथ में अदर फैक्टर्स और काउंट करता है। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है,
सच एज इंक्रीज इन जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सोशल चेंजेस सच एज लिटरेसी रेट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. वो कह रहे कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज मतलब खाली जीडीपी बढ़ गया उसी के बेसिस पे नहीं है, ये उसके साथ साथ क्या ले रहा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. क्या होता है ये कि हमारी कंट्री में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है ना भाई. देश की इनकम बढ़ गई वो तो हो सकता है ना कि कुछ लोगों की वजह से बढ़ गई हो राइट. भाई इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं ठीक है. अभी मैं आपको एक स्टार्ट बताऊंगा तो आप बड़ा हैरान हो जाओगे. एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1% जो इंडिया के टॉप बिलियनर्स है, अगर मैं 1% इंडिया के जो रिच लोग हैं उनकी बात करूं, उनके पास जो वेल्थ है, किनके पास, इंडिया के टॉप 1% जो रईस लोग हैं उनके पास जो वेल्थ है वो इंडिया की 973 मिलियन लोग जो इंडिया का 70% पॉपुलेशन है उन लोगों के पास जितनी वेल्थ है उससे 4 गुना ज्यादा वेल्थ है. तो आप सोचो इंडिया में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा है. मतलब 973 मिलियन लोगों के पास मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 रुपए हैं, टोटल 973 मिलियन की 4 रुपए है. तो सिर्फ इंडिया के सिर्फ 1% जो रईस लोग हैं सिर्फ 1% ठीक है उनके पास कितने हैं 4 × 4 दैट इज 16 रुपीज. तो इतना बड़ा डिफरेंस. तो भाई जीडीपी तो ज्यादा दिखेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिखेगी, क्या डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि दैट ग्रोथ इज कंसेंट्रेटेड टू फ्यू हैंड्स ओनली विच इज नोन एज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. क्या फायदा उसका ठीक है. तो इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ मनी को नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है या कुछ फ्यू हैंड्स ही उस चीज का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं ठीक है. इसके साथ क्या है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है कि पर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं, जो पर 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र तक आते आते उतने से मर जाते हैं, उसे कहते हैं IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. ये कितना है. अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपकी कंट्री के हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर है ना, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर, आपकी जो मैटरनल केयर सेंटर्स है उनके ऊपर, ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है एटसेट्रा. तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उनको भी कवर कर रहा है. सो इस बेसिस पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है. इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, बिना मनी के तो ऑब्वियस ही बात है कुछ नहीं हो सकता. फिर सोशल जस्टिस भी चाहिए, मुझे अच्छा लिटरेसी चाहिए, मुझे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ठीक है. अभी बताऊंगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. मुझे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे साथ अभी भी टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दों पे बात की जाए, डाउरी सिस्टम को लाया जाए, ये सब चीजें नहीं चाहिए. तो सोशल जस्टिस हो प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब वो डेवलपमेंट जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रख के की जाती हो. तुमने अभी तो मेरा फायदा कर दिया, अब लॉन्ग टर्म में हो तो फायदा हो ना. अब आप सोचो मैं 1-2 लेक्चर बहुत अच्छे अपलोड कर दूं ठीक है, बढ़िया लगे आपको, आप सबको बहुत पसंद आए और उसके बाद शांत होके बैठ जाओ ठीक है, क्या फायदा होगा उससे. आप एक बात सोच के देखो, उससे कोई बेनिफिट आपका या मेरा होगा, मेरा भी नहीं होगा, क्योंकि वो 3 लेक्चर के लिए क्यों मैंने अपनी इतनी मेहनत खराब कर दी, सारा कंटेंट तैयार करके फिर आपको पढ़ाना समझाना बोलना टाइम खराब करना, फिर आपका भी टाइम खराब करना कि आपको समझ में आ गया, आपको लगा चलो आगे भी लेक्चर मिलते रहेंगे और मैं डिसकंटिन्यू कर दूं. तो ऐसी चीज का क्या फायदा. इससे अच्छा हो सकता है कि कोई ऐसा लेक्चर आप देख रहे थे जो आपको थोड़ा कम समझ में आता बट कंसिस्टेंट तो था क्योंकि चलता जा रहा था, अब यहाँ पे ये समझ में आया और मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्या फायदा उसका, ये तो मीनिंगलेस हो गया. सेम ही यहाँ पे भी हम कहते हैं कि ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जो आज मिले कल खत्म हो जाए. डेवलपमेंट ऐसी हो जो इंटरजनरेशनल बेनिफिट्स देने चाहिए हमें भी और आगे की जनरेशन को भी. तो इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को सब कुछ देखने के बाद एक जो सबसे बेटर टूल माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अगेन मैं कहता हूँ इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर लेंगे, मैं एक ही लेक्चर में आपको सारी चीजें पढ़ा करके कंफ्यूज नहीं करूंगा. जिन जिन चीजों के अलग से लेक्चर की जरूरत है क्योंकि जो टॉपिक एकदम अलग से हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं तो ऑफ कोर्स है कि आप उनको अलग से ही पढ़ें. फिलहाल आप समझे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का एक पर्टिकुलर कौन सा इंडिकेटर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स.
ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, हमें कुछ चीज़ों का बेनिफिट होना ही होना चाहिए, ये वैसी कुछ चीज़ों को समअप करके बनाया गया एक इंडेक्स होता है जिसमें इनकम, लिटरेसी, पॉवर्टी जैसी चीज़ें तो आती ही हैं। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉपर एक लेक्चर दूंगा 15-20 मिनट का जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और सारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक मेजर है, किसको मेजर करने का, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का, ग्रोथ रेट ऐसे निकाला गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट HDI के बेसिस पे पता किया। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बारी इन दोनों के डिफरेंट पॉइंट्स की, मतलब ये दोनों के जो मेन डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनको किन बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में वहाँ पर डिफरेंस आ जाए, है ना। तो अगर हम डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस में तो भाई ये तो एक डेफिनेशन हो गए बस, बाकी डिफरेंस के पॉइंट्स क्या है, चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन दोस पॉइंट्स। हाँ जी, तो आपके सामने मैंने पूरा टेबल बना दिया, इस टेबल में आप देख सकते हो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट तो डेफिनेशन का ही है हमारे पास कि दोनों का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या था, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ना। इसका मीनिंग क्या है, इनकम के साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना। तो जब इनकम बढ़ेगी साथ में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, मीन सोशल जस्टिस होगा, तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला पॉइंट। फिर नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, खुद सोच के देखो ये सिर्फ किस एस्पेक्ट को ले रहा है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ले रहा है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट को लेता है। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट की बात करेगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड कौन सा होगा, सोच के देखो। ऑफ कोर्स आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। ये क्या है हमारे पास, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, और ये क्या है हमारे पास, एक नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किधर एप्लीकेबल है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो जो वर्ल्ड के डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है, लाइक इंडिया है ना, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, अब बांग्लादेश, ये जो ऐसे नेशन है, ये नेशन यूज करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको इनकम तो चाहिए, बट इनके साथ साथ यहाँ पॉवर्टी बहुत होती है, पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम होती है, इलिटरेसी जैसी प्रॉब्लम आती है, मतलब काफी सारे इनके सोशल इश्यूज भी होते हैं, तो इनको इनकम भी चाहिए और वो सोशल अपलिफ्टमेंट भी चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कौन यूज करता है, वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशन, वो डेवलप्ड है ना, तो उनका मेन कंसंट्रेशन क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी के GDP को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ाना, ये इनका कंसर्न होता है। लाइक USA, नॉर्वे, डेनमार्क, UK, तो ये कंट्री डेवलप्ड है, तो ये अब फोकस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, लेकिन डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड देश है वो किस पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। टर्म, ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा 1-2 पीरियड में अगर आपका GDP बढ़ जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, मींस शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ठीक है। इसी पॉइंट के साथ एक पॉइंट और हमने मिलता हुआ देखा, देखो ये पॉइंट, इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, यहां से एक पॉइंट देखेंगे हम, ये वाला, इट अकर्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड, मतलब 1-2 quarters तक बढ़ गया GDP, जी ग्रोथ हो गई, लेकिन इरिस्पेक्टिव टू दैट अगर हम बात करें कि अगर इकोनॉमिक इन कंपैरिजन टू दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम नहीं है, इसमें सोशल इंडिकेटर्स का भी अपलिफ्टमेंट जरूरी है, जो कि ऑब्वियस ही बात है इतना आसान नहीं होता कि एक बार में आप पॉवर्टी को एरेडिकेट कर दो, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट को एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे लेके आ जाओ, तो इसलिए डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो सर्टेन पीरियड में हो गया, ये कॉन्टिन्यूटी में चलता ही रहता है, ठीक है। इंक्लूड्स, वो कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या क्या दीजिए देखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में अकर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है बिना किसके, स्ट्रक्चरल चेंज के। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चरल चेंज, देखो अभी पोस्ट सम लेक्चर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अभी हम इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, तो जब मैं इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स को अपलोड करूंगा तो वहां पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। एक आइडिया लो, स्ट्रक्चर चेंज,
जो जॉब का पैटर्न चेंज होता है हमारी कंट्री के अंदर, है ना, तो वो जो जॉब का पैटर्न चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस चेंज को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का मतलब होता है कि बेसिकली जो जमींदारी सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो भी पुराने टाइम से चले हुए सिस्टम्स आ रहे हैं, उन सिस्टम्स को अबॉलिश करके नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करना ताकि बेटरमेंट हो सके, और टेक्निकल चेंजेस आप जानते हो, HIV सीड्स यूज करना, या हर फील्ड में, इट्स नॉट अबाउट एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है, हर फील्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो बेसिकली क्या क्या चेंजेस आ गए, स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल। ये चेंजेस नहीं भी हो लेकिन आपकी इकोनॉमी के अंदर GDP बढ़ जाए तो भी हम क्या मान लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंज भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए, टेक्निकल चेंजेस भी चाहिए, तीनों चेंजेस चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है ये, ओवरऑल इंप्रूवमेंट की बात करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब सोचो इनकम बढ़ानी है आपकी कंट्री के अंदर, अगर हमारे पास, हमारी जो कंट्री है वहां पे मैंने क्या कहा, कुछ लोगों की भी इनकम बढ़ती चली जाए, ठीक है, या कंट्री के अंदर प्रोडक्शन जैसी एक्टिविटीज बढ़ती चली जाए, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, है ना, क्यों, क्योंकि ये इनकम को बढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी के अंदर जितना ज्यादा लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब मिस्टर अंबानी को जाके बोलने की जरूरत नहीं कि तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहां पे इन्वेस्ट करो, वो करेंगे, उनको प्रॉफिट दिखाई देगा, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। टाटा इंडस्ट्रीज को कोई नया प्रोजेक्ट अच्छा मिलेगा, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, तो इतना जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये सोचो, क्या हर पर्सन लोगों की पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाएगा, क्या हर पर्सन हमारी कंट्री के जो इलिटरेट लोग हैं उनको लिटरेट करने के लिए अपना पैसा स्पेंड करेगा, क्या हर पर्सन दूसरे सामने वाले के साथ जो भी तरह का अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है उनके लिए वॉइस रेज करेगा, नहीं करेगा। लेकिन डेवलपमेंट के लिए ये सब चाहिए ना, तो मतलब डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही होती हैं जो ये सोशल इश्यूज को खत्म कर पाती हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज आप और मैं नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फंड हमारे पास नहीं है, और ना होता तो हम देना भी चाहते, एक दो लोग दे भी देंगे तो बाकी सब नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहिए अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है कि आपकी कंट्री में टोटल GDP बढ़ जाना चाहिए, राइट, GDP बढ़ना चाहिए, कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता। अब एक चीज हमें समझनी है, ठीक है, देखो मैं अगेन कह रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई काफी टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के जब लेक्चर्स लेंगे तो बहुत डीप में अच्छे से फिर अगेन वही टर्म के ऊपर, एक एक टर्म के ऊपर बात करेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, पहले मैं बताता हूँ फिर आप खुद ही सोच लेना कि कौन सा ठीक रहना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम थिंग, दैट मींस द सैलरी ऑफ अ PM इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ अ से चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोच के देखो, ठीक है कि एक PM की सैलरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी बराबर है, ऑफ कोर्स नॉट, क्यों, क्योंकि भाई PM ने जिस लेवल पे मेहनत करी, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत किसने करी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, भाई रात रात भर जाकर बैठ के पढ़ना, पूरे पूरे दिन बुक्स के बीच में लगे रहना, इतनी पढ़ाई करना, इंटर्नशिप्स करना, तो वो डिजर्विंग है। अगर उसको सैलरी मिल रही है 60,000-70,000 रुपए, 60,000-50,000-70,000 डिजर्विंग है, लेकिन PM की भी सैलरी इतनी हो जाए तो लोग कहेंगे भैया मेहनत किस बात की करनी, जब मेनली सेम ही सैलरी है तो इतनी मेहनत क्यों करनी, ठीक है जो चल रहा चलने दो, ठीक है। तो ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के सबको सेम सैलरी मिले, ठीक है। एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे ये कहता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, देखो इक्विटेबल तो दो वर्ड हो गए यहाँ पे, इक्विटेबल मतलब आपको इक्वल मिलना आपकी एबिलिटी के हिसाब से, लेकिन मतलब जो स्किल्स आप पोजेस करते हैं उन स्किल्स के बेसिस पे आपको क्या करना, रेम्यूनरेशन देना, आपको कॉम्पेंसेट करना, आप CA हैं
आप अगर सीए हैं तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली वो उतनी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी सैलरी हम दे दें क्योंकि आप सीए हो। सो दैट इज द आइडिया ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक पर्सन को उतनी सैलरी दो जितनी उसकी एबिलिटी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंडिया में अभी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिशन मार्केट में इतना है कि कम सैलरीज पे भी लोगों को काम करना पड़ रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और ना ही हमारे यहाँ कोई मिनिमम वेज लॉस इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से अप्लाई होते हैं, कोई कहीं भी जान पहचान की वजह से सस्ते में काम कर रहा है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें वहां पे वेजेस लॉज जो होते हैं, मिनिमम वेज एक्ट होते हैं, वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ पे लेबर एक्सपोर्टेशन ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन अपलिफ्टमेंट कब होगा, तब होगा जब मैं जो काम कर रहा हूँ उसका हिस्सा, उसका शेयर मुझे मिले, राइट, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया था, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये एक लॉन्ग वे प्रोसेस है, ये नहीं कि आप तुमने गरीब हटा दी फिर दोबारा आ गई, ऐसा नहीं है। लंबा टाइम लगता है आपको अपनी कंट्री से ये जो आपकी कंट्री के सोशल इश्यूज है इनको खत्म करने के लिए, राइट, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको ये सारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे जरूर चाहिए। अब एक इंडिकेटर देख लेते हैं इंडिया का, कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी टर्म्स में कहां स्टैंड करता है, और एचडीआई जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है उसमें कहां स्टैंड करता है। तो इंडिया जीडीपी रैंकिंग फिफ्थ विद जीडीपी ऑफ डॉलर 2.94 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी रैंकिंग कितनी है, इंडिया की जीडीपी रैंकिंग है फिफ्थ, ठीक है। और जीडीपी कितना है इंडिया का, डॉलर 2.94 ट्रिलियन, मतलब हम वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर में आते हैं जीडीपी के मामले में। अगेन इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, बड़ा पॉजिटिव साइन है ये। इवन 2014 में, अभी हम एक पूरा बिजनेस साइकिल का लेक्चर में अपलोड करूंगा, मस्ट वॉच लेक्चर है, जरूर देखें, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग बिजनेस साइकिल पे डिपेंड है और बहुत हद तक आपको समझने में हर चीज को हेल्प करेगा। एनालाइज जो कर पाते हो इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। तो फिफ्थ रैंकिंग है, 2014 की मैं आपसे बात कर रहा था, 14 में इंडिया की जीडीपी रैंकिंग थर्ड थी और हम उस टाइम पे वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन थे, ठीक है। मतलब चाइना को भी हमने ऑफसेट कर दिया था, हम इतने फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन थे। तो हम पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे कि किस तरीके से जीडीपी पैटर्न चेंज हुआ इंडिया का, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे आते हैं इसके मामले में। अगर सोचो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो इकोनॉमिस्ट कहते थे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है, तो इंडिया एचडीआई में भी फिफ्थ आना चाहिए था, क्योंकि तो सेम है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस है और वो आपने देख ही लिया। अब आप उसका इंडिकेटर भी देखो, इंडिया एचडीआई के मामले में 129th नंबर पे आता है वर्ल्ड में, 184 कंट्रीज में से कितने नंबर पे आ रहे हैं हम, 129th एचडीआई है हमारा। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि इंडोनेशिया भी हमसे आगे है, ठीक है। 111 पे इंडोनेशिया आता है, हम 129 पे आते हैं। जीडीपी में टॉप कौन करता है, यू बेटर नो, जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है दैट इज यूएसए, और यूएसए का कितना जीडीपी है, डॉलर 21.4 ट्रिलियन। हम कहां पे खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं डॉलर 2.94। यूएसए का जीडीपी कितना है, डॉलर 21.4 ट्रिलियन, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी सुपर इकोनॉमिक पावर, इसीलिए उसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा जीडीपी उसका है। सेकेंड नंबर पे कौन आता है, चाइना, देन जापान, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एचडीआई रैंकिंग हमारी कौन सी है, 129, ठीक है। इस हिसाब से सबसे वर्ल्ड के अंदर एचडीआई रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन आता है, नॉर्वे कंट्री, आपको पता होगा नॉर्वे कंट्री एचडीआई रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 कंट्री पे आती है, ठीक है। दैट इज द आइडिया। एक चीज आपने और याद रखना है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स के बारे में बात की है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब होता है कि लोग उस कंट्री के अंदर कितना एंजॉय कर पा रहे हैं एवरीथिंग, चाहे वो जॉब हो, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है ही है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ साथ बाकी चीजें भी हैं, लोग कितना हैप्पीली उस कंट्री के अंदर रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। इस हैप्पी इंडेक्स के मामले में अगर हम देखें तो अगर हम रिपोर्ट चेक करते हैं तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2000 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिनलैंड जो है वो टॉप करता है किसके अंदर, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। ये कौन कौन से इंडेक्सेशन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं, जब इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द होल आइडिया। आई होप आपको ये वीडियो सारा कंटेंट पसंद आया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा।
ठीक है, ऊपर आई बटन है आपके पास, आप उस आई कार्ड पे क्लिक करके प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी वीडियोस पहले की मिल जाएंगी जीडीपी से एसोसिएटेड और नेशनल इनकम से एसोसिएटेड। ठीक है, सो दिस इज आवर लेक्चर 4 ऑन जीडीपी। ठीक है, अब एक लेक्चर रह गया हमारे पास जीडीपी को कंप्लीट करेगा जो, ठीक है, उस लेक्चर में हम ये समझेंगे अब तक आपने ये देख लिया कि जीडीपी कितना इंपॉर्टेंट है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं रहा, सब बातें जीडीपी पे आके हो रही हैं। अब हमें एक लेक्चर पढ़ना है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जीडीपी की लिमिटेशंस क्या है। जीडीपी इतना अच्छा तो है, लेकिन क्या सिर्फ वही अच्छा है? अगर जीडीपी अच्छा है टू व्हाट एक्सटेंट हम जीडीपी को अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए एनालाइज मतलब कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, please don't forget to like, share and subscribe my channel. ठीक है, thanks for watching.